देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि एक स्टेट ग्रिड से ज़्यादा पावर खींच लेते हैं। समस्या ये कई सालों में एक बार हुआ है, हमारी प्रयास ये है कि दोबारा ना हो और सारे स्टेट और केंद्र सरकार मिलजुल के हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें ताकि ऐसे समस्या के सामना हमें कभी करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये नहीं कि हम उसलिए कारण किसी कारण के वजह से हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये सभ्यता नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसे कभी कभी हो जाता, जापान जैसी देश में हो गया जब उनकी न्यूक्लियर रिएक्टर की इम्पैक्ट पड़ गई, तो क्या उनकी नेबर से अच्छा है इसीलिए कुछ नहीं हुआ? ऐसी बात नहीं, कई बार ऐसे हो जाते हैं हमारे सोचने के अलावा। जी, तो ये 2 दिन तक ग्रिड फेल रहा और फिर सर प्रमोशन लेके आप लोगों ने गृह मंत्री बना दिया। आप ये क्या काम सोचते हैं कि गृह मंत्री बनना प्रमोशन है? ये कोई तोहफा है? नहीं है क्या? ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री का हक बनता है कि वो अपना फैसला ले, अपनी कैबिनेट कैसे चलाएं। उनकी ज़रूरतें थीं, हाउस शुरू होने वाली है चंद दिनों में और ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट फंक्शन करें, और उन्होंने फैसला किया। जैसे शिंदे जी हैज़ बीन गवर्नर, हैज़ बीन चीफ मिनिस्टर, हैज़ बीन केंद्र मंत्री कई बार, तो उनको एक लेटरल एंट्री दिए हैं कि काम चलाना है, क्योंकि होम मिनिस्टर वित्त मंत्री बन गए। तो इसमें नई क्या बात है और इसमें चर्चा की क्या बात है? अफसोस इस बात की है। चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री, उनको उनके कामकाज पर असंतोष जताते हैं मंत्रालय के, जब वो बिजली मंत्री थे, और उसके ठीक बाद वो गृह मंत्रालय पहुंचाते हैं। सवाल ये है कि जब जिनके मंत्रालय पर सवाल उठ रहे हैं उनको ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो फिर आप मानेंगे कि चिदम्बरम जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे हाँ होम मिनिस्टर के नाते? तो ठीक है, तो आप ट्राई कर लीजिए शिंदे जी को, देखें कि वो होम मिनिस्टर के नाते कैसे काम करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं, दीज आर नॉट इश्यूज दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड। इट इज़ दे सीनियर मैन जो एक तजुर्बा लेके चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है, वो तो गरिमा हमें रखनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल हैज सेड टू हिज सपोर्टर्स दैट द गवर्नमेंट एंड द पुलिस वुड बी शिफ्टिंग हिम टू अ हॉस्पिटल बिकॉज़ हिज हेल्थ इज डिटेरियरेटिंग एंड दे शुड नॉट अलाउ द गवर्नमेंट और द पुलिस टू शिफ्ट हिम टू द हॉस्पिटल फोर्सिबली। आई डोंट नो वॉट ही इज डूइंग, बट आई होप ही कंसिडर्स दैट एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, बिकॉज आई इट इज़ अ डेंजरस थिंग फॉर हिम टू टॉक लाइक दैट एंड टू इनसाइट पीपल। वी जस्ट होप दैट ही विल टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। देखिए, जब तक आपको सबूत समेत आप नहीं बोल सकते हैं, ऐसे अफवाहें को हम कैसे कुछ जोर दें? ऐसे तो लोग हर रोज़ निकल के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। हर इल्ज़ाम को लेके अगर हम चलेंगे तो मैं बता दूं, सिर्फ हमारी सरकार में कोई सरकार नहीं टिकेगी। अगर ये छीपे उठ रहे हैं तो आप जानते हैं कि कौन उठाते हैं। ये भी ये गलत बात है। आई डोंट थिंक वी शुड टॉक विदाउट हैविंग substantiating any statement that has been made irresponsibly. जी, रिगार्डिंग स्पेंडिंग इन सो लेट द कोर्ट फर्स्ट सी, बट कैन यू अज्यूम दैट ही इज गिल्टी? आई थिंक द लॉ सेज दैट ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सो वी कान जस्ट स्टॉप वर्किंग सेइंग दैट अज्यूमिंग दैट समबडी इज गिल्टी। Once we see that he is guilty or he is whatever, we face the consequences then. You can't prejudge a person. इसी तरह अशोक चव्हाण भी अभी गिल्टी, उनपे उनके उनको कोर्ट ने अक्यूज नहीं बनाया, अभी गिल्ट उनका प्रूफ नहीं हुआ है। इवन ए राजा का गिल्ट अभी प्रूफ नहीं हुआ है, उनको सिटिंग बनाया, तो नहीं क्यों हटाते? ये हमसे सवाल क्यों पूछते हैं? हम थोड़ी ना सीबीआई है। जैसे कोर्ट हमने अपने इससे हमने हटाया नहीं हटाया वो अलग बात है। जब कोर्ट ने कुछ फैसला की, सीबीआई ने कुछ फैसला की, उसमें हम दखल नहीं दे सकते, ये आप भी जानते हैं। गुजरात
कांग्रेस की क्या रणनीति है गुजरात को लेकर, हम ठीक समय पे आपको ज़रूर बता देंगे, मगर आपकी सलाह जो कांग्रेस पार्टी में टोटल रीशफल होना है, ये आपकी सलाह मैं हमारी हाई कमांड तक पहुंचा देंगे। तो फिर अभी अभी जो होना था हो गई है, थोड़ा सब्र कीजिए। No, that may be your opinion, because Mr. Veerappa Moily is deemed and considered as a competent man. He has been given additional charge of the power ministry, and I think we should give him a fair chance before you comment on him. Now, Mr. Kejriwal has once again said that if he dies of hunger, the government will term it as suicide, and that should not happen. We wish him well. We hope he keeps well, and he should save his energy and concentrate on keeping his strength. So, you know, what the government will do and what we think and what we will term it is our business. I don't think we should. He should worry about that. He should first concentrate on his own health and keep well. अब ये हम कमेंट करना नहीं चाहते हैं, टीम अन्ना जाने, वो अपना फैसला जाने कि क्या करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ नाइस ऐसे खिलवाड़ करना, और देखा जाएगा कि जो होगा फिर हमें क्या करना, क्या कदम उठाना पड़ेगा, देखा जाएगा। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी। हमने बात बंद कब किया, हमारी तरफ से हमने बात बंद कब किया? नहीं तो फिर बाकी क्या करें, क्या करें, कौन डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं टीम अन्ना के, अरविंद केजरीवाल जी को क्या क्वालिफिकेशन है, ज़रा आप चेक कर लीजिए, हम क्या बताएंगे। तो अपील तो हमारी अपील जारी है कब से, आज से नहीं, हमने कभी कहा कि आप अनशन पे बैठिए, हमने नहीं कहा, हमसे बातचीत नहीं हुई, हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। We have kept our doors open. We have always been communicating. अब फैसला उनकी होगी। बस। No, I am not competent to make any appeal. Please understand that. I am saying that we have never ever closed our doors. So this decision has been taken individually, arbitrarily by them. It is their decision. How can we speak for them? Right. Thank you very much.